देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। निर्भया फांसी के फंदे से फिर से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानूनी दांवपेच के चलते 22 जनवरी को चारों दोषियों को सजा दिया जाना अब मुश्किल में दिख रहा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में डेथ वारंट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। इन सब के बीच निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम ये दे रहे हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। डेथ वारंट पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे इन्हें राहत दी जाए कुछ वक्त के लिए या फिर नहीं दी जाए। आज बहस के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने माना कि 22 जनवरी को दोषियों को फांसी देना मुश्किल है। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों की याचिका पर कल पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। डेथ वारंट पर कल 2 बजे सुनवाई होगी। इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार निर्भया के परिजन, उनके माँ बाप इस कोशिश में लगे रहे कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। 7 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। 16 दिसंबर 2012 की वो रात आज भी उनके जेहन में नासूर की तरह चुपती रहती है। उन्हें उम्मीद थी कि अब 22 तारीख को फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे ये चारों के चारों अपराधी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल डेथ वारंट पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद आगे की राह तय की जाएगी। डेथ वारंट पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, ये इंतजार और लंबा खींच सकता है इस तरह की जानकारी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से फांसी को लेकर तैयारी भी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अब आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है।